फतेहाबाद में एसपी ने किया मास्क बूथ का शुभारंभ। फतेहाबाद शहर के मुख्य चौराहों पर स्थापित किए गए हैं मास्क बूथ। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं द्वारा तैयार किए जा रहे हैं मास्क। शुभारंभ के बाद फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार का कहना, बूथ के अंदर 15 रुपए प्रति मास्क की दर से उपलब्ध करवाए जाएंगे मास्क। जी हाँ, फतेहाबाद के एसपी के द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर मास्क और सैनिटाइजर की बिक्री के लिए बनाई गई बूथ का शुभारंभ किया गया। स्वयं सहायता समूह और हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा शहर के मुख्य चौराहों पर मास्क बूथ खोले गए हैं। इन मास्क बूथ में 15 रुपए प्रति मास्क की दर से मास्क उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इन मास्क बूथ में सैनिटाइजर भी बिक्री के लिए उपलब्ध है। फतेहाबाद के एसपी राजेश कुमार के द्वारा आज इन बूथों का शुभारंभ किया गया। मीडिया से बातचीत करते हुए एसपी ने बताया कि इन बूथ पर 15 रुपए प्रति मास्क की दर से मास्क उपलब्ध करवाए जाएंगे। वहीं सैनिटाइजर बिक्री की व्यवस्था भी इन बूथों में की गई है। एसपी ने बताया कि अगर कोई व्यक्ति मास्क नहीं लगाता तो पुलिस द्वारा भी इस पर सख्ती बरती जाएगी। शहर के मुख्य चौराहों पर ये बूथ खोल दिए गए हैं ताकि किसी व्यक्ति को मास्क की खरीदारी करने में दिक्कत ना हो। रोड पर चलते समय भी व्यक्ति मास्क खरीद सके। एसपी के द्वारा बताया गया कि आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए भी प्रशासन द्वारा विशेष छूट दी गई है। किराने की दुकान को सुबह 9 बजे से शाम को 5 बजे तक खुल सकती है, जबकि इससे पहले 9 से 11 बजे तक का समय निर्धारित किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, एवन हरियाणा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मास्क लगाना जो है सरकार द्वारा अनिवार्य कर दिया गया है कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने के लिए, तो उसी दिशा में ये कदम उठाया गया है कि जब हम रोड पर जो लोग चल रहे हैं उनको पुलिस प्रशासन भी और अन्य लोग भी जो प्रशासन के हैं उनको टोकते हैं और उनको कहते हैं कि मास्क लगाना मैंडेटरी है। तो कई बार ये देखने में आता है कि उनको पता ही नहीं है मास्क कहाँ से लेकर आना है या कहाँ मिलेगा मास्क। तो उसी दिशा में ये कदम जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया, बहुत ही सराहनीय कदम है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा मास्क बनाए जा रहे हैं, ऑलमोस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस पर उसको जो है यहाँ बेचा जाएगा। इसमें एक तरह से मास्क की अवेलेबिलिटी जो है आम लोगों के लिए जो कि रोड पर अपने आवश्यक कामों के लिए निकलते हैं उनको आसानी से उपलब्ध हो सके। उसके साथ साथ आप जैसा देख सकते हैं सैनिटाइजर भी रखे हुए हैं जो कि कोऑपरेटिव सोसाइटी द्वारा बनाए जा रहे हैं। तो मैं देखता हूँ आने वाले समय में जब लोगों के पास मास्क की जरूरत जैसे जैसे बढ़ेगी और ज्यादा, तो इस मास्क को ले सकते हैं। इसके खास जैसा कि आप देख रहे हो मैंने भी यही मास्क लगाया हुआ है और हमारे ज्यादातर पुलिसकर्मी जो है इस तरह का मास्क लगा के रखते हैं और सरकारी कर्मचारी भी आप जैसा देख रहे हैं एसडीएम साहब ने भी लगाया हुआ है। इस मास्क की खास बात यह है कि ये वॉशेबल है। तो हम मैं ये भी आग्रह करूंगा लोगों से कि जो यहाँ से मास्क खरीदते हैं वो 2 खरीदें कम से कम, ताकि एक अगर आपने लगाया हुआ है और जब उसको आप यूज हो जाएगा पूरे दिन में, अगले दिन उसको धो के दूसरे मास्क को आप लगा सकें। जिस तरह आप देख रहे हैं हमने जो बिना मास्क के दुकानदार जो हैं अपनी दुकानें खोल रहे हैं और ग्राहकों का भी जमावड़ा कर रहे हैं, आपको मालूम होगा कुछ दुकानों के ऊपर भी कार्रवाई हुई है। जहां पर भी पुलिस का नाका है हम लोगों को कुछ फ्री में बांटने के लिए भी मास्क जो है प्रशासन ने हमें उपलब्ध करवाए हैं सभी नाकों पर, जो मुख्य नाके हैं उन पर। और उसके साथ साथ हम लोगों को गाइड भी करेंगे दुकानदारों को भी कि भाई आप यहाँ से मास्क खरीद सकते हैं। नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि एनजीओ के माध्यम से भी और प्रशासन भी लगातार गरीब लोगों जो मंडी में, जैसे आप देख सकते हैं मंडी में खरीद शुरू हुई है, तो जो वहाँ मजदूर काम करने आ रहे हैं उनको मार्केटिंग कमेटी के जो अधिकारी हैं वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसी प्रकार से जो रिक्शा या इस तरह की जो रेडी लगाने वाले गरीब लोग हैं उनको भी हम लोग जो है ये मास्क फ्री में प्रोवाइड कराएंगे बिल्कुल। और इसके साथ साथ मैं आपको और भी सूचना देना चाहूँगा कि जो हमारी दुकानों की टाइमिंग्स हैं, आवश्यक सामग्री की जो दुकानें हैं, कल से उनका सबका एक ही टाइम कर दिया गया है, सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक। फतेहाबाद शहर में जो आवश्यक सामग्री की दुकानें हैं जिसमें की परचून की दुकान होगी या जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स की जो ठीक करने की जो दुकानें हैं वो होगी, इसके अलावा जो सब्जी और दूध की दुकानें हैं जो उनकी टाइमिंग जो पहले से चल रही हैं सुबह की और शाम की। गृह मंत्रालय द्वारा पंखे की दुकानें भी गर्मी के मद्देनजर खोलने के आदेश दे दिए हैं, तो उनका कोई टाइमिंग किया गया? जी बिल्कुल, उनका भी 10 से 5 का टाइमिंग निर्धारित किया गया है। इसके साथ साथ किताबों की जो दुकानें हैं वो भी 10 से 5 की गई है। जिस तरह